पूर्णिया के श्रीनगर हाई स्कूल के मैदान में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए चुनावी सभा करने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जमकर तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि हम तो काम के बदले वोट मांगते हैं, पर कुछ लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहे। आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि 15 साल पति पत्नी की सरकार ने जिसे आरक्षण चाहिए था उसे आरक्षण नहीं दिया। हमारी सरकार ने कई जाति और महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया है। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के सब तबके का विकास। हर इलाके का विकास हम कर रहे हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की है। पूर्णिया के बारे में सोचिए या किसी जिले के बारे में सोचिए, किसी प्रखंड के बारे में सोचिए, हर जगह हमने विकास का काम किया और बहुत सारे काम हुए। सड़कों के निर्माण का काम, गांव को सड़क से जोड़ना, स्कूलों की क्या हालत थी, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे, हमने नए स्कूलों का निर्माण कराया, शिक्षकों की बहाली और जो स्कूल से बाहर रह जाते थे बच्चे उसके बारे में हमने आकलन करवाया तो पता चला कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा या तो महादलित है या मुस्लिम समाज के लोग। और उसके लिए लोगों को घर में पढ़ा करके और स्कूल तक पहुंचाने के लिए हमने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के रूप में कितने लोगों को बहाल किया, कितने लोगों की सेवा ली। और ये सब काम के बाद नतीजा ये निकला कि आज जो 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे अब उसकी संख्या घटकर 1% से भी कम हो गई। तो कौन से काम में हम लोगों ने कोशिश नहीं की, एक एक चीज के लिए समाज के सब तबके के काम के लिए। अब आप सोच लीजिए ये कौन लोग थे, आज वोट मांगने के लिए तो न जाने क्या क्या बोलेंगे, समाज में किस तरह का माहौल पैदा करेंगे। लेकिन जरा उनसे पूछिए कि क्या आपने काम किया, किस प्रकार का काम किया। लेकिन हम लोगों ने तो लगातार काम ही काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में, बिहार पहला राज्य है जिसने 50% का आरक्षण दिया। लोग बात करते हैं 15 साल तक पति पत्नी का राज रहा बिहार में, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी आरक्षण नहीं था। महिलाओं की बात को छोड़ दीजिए, पिछड़े वर्ग की बात छोड़ दीजिए। और जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, 2005 के नवंबर में काम संभाला और 3 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव होना था फरवरी और मार्च में, हम लोगों ने उतने कम समय में कानून बनाया और महिलाओं को 50% का आरक्षण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण 16% और 1%, और अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण 20%। क्या हाल था, अति पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है, अति पिछड़े वर्ग में हिंदू भी है मुसलमान भी है, सबको उसका लाभ मिला। कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। आज जब जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, नगर निकायों में है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में उच्च पदों पर है, अब लोगों के बीच में उनका सम्मान बढ़ा, उनकी इज्जत बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, तो सबको हिस्सा मिला। एक एक काम हम लोगों ने किया और महिलाओं के उद्धार के लिए और अनेक काम। लड़की स्कूल कम जाती थी, माता पिता गरीबी के कारण अपनी बेटियों को कपड़ा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं रहते थे, इसलिए मिडिल स्कूल में भी नहीं भेजते थे। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ने लगी। हमने सोचा कि लड़कियों को सिर्फ 8वीं कक्षा तक क्यों पढ़ाएं, इसको कम से कम मैट्रिक तक पढ़ाएं। और फिर 9वीं क्लास में जब हमने सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई, लड़की कहां साइकिल चलाती थी। पूर्णिया में
पटना में कहीं नहीं दिखती थी, लेकिन जब बालिका साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो गांव गांव से लड़कियां साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी, पूरा वातावरण बदल गया, लड़कियों का मनोबल ऊंचा हुआ और लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी हाई स्कूल में। और दो साल तक लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाती रही, तो जगह जगह हम जाते थे तो जगह जगह लड़कों ने हमको कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। ये सब काम हम करते हैं, किसी को उपेक्षा नहीं करते। और आप जान लीजिए अब लड़की की संख्या 9वें क्लास में पहुंच गई है, लगभग 9 लाख लड़का और लड़की की संख्या हाई स्कूल में बराबर। हम किसको छोड़ते, आगे बढ़ाते, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह जीविका योजना की शुरुआत की 2006 भी हम लोगों ने अभियान चलाया है, कानून तो पहले से बना हुआ। तो आप अब सोच लीजिए, हम लोगों को यह लगा कि घर में लड़की पैदा हो तो उसके लिए भी लोगों को खुशी, तो हम लोगों ने क्या किया था? एक नई योजना हमने शुरू की, कन्या उत्थान योजना। और कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अगर घर में लड़की पैदा होगी तो राज्य सरकार की तरफ से 2000 रुपया उसको दिया जाएगा परिवार को, और अगर एक साल के अंदर अपनी बेटी को आधार से जोड़ देंगे तो उसको 1000 रुपया और उनको मिलेगा, और 2 साल के अंदर अगर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा देंगे तब 2000 रुपया और मिलेगा। और इसके बाद अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको चालू रखते हुए पोशाक की राशि बढ़ा दी गई, और हम लोगों ने यह तय किया कि कोई भी लड़की अगर इंटर पास करेगी और अविवाहित रखिएगा उसको, और इंटर पास करेगी तो वैसी हर लड़की को राज्य सरकार की तरफ से 10000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर कोई लड़की शादीशुदा हो या कुछ भी हो, क्योंकि इंटर तक पास करने तक उस समय 18 साल से कम रहती है उम्र, उसके बाद तो 18 साल से ज्यादा उम्र, तो ग्रेजुएट की परीक्षा पास करेगी, स्नातक की परीक्षा पास करने वाली हर लड़की को बिहार में राज्य सरकार की तरफ से 25000 रुपये का पुरस्कार हम लोग देंगे। अब आप सोच लीजिए, घर में लड़की पैदा होगी तो उसको अन्य प्रकार की जो सुविधा मिलती है उसके अलावे राज्य सरकार ने कन्या उत्थान योजना के माध्यम से ये काम कर दिया, और उसको सैनिटरी नैपकिन के लिए भी 150 रुपया से बढ़ाकर 300 रुपया।